गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अब तक लाइट के बारे में देखा था। स्टार्टिंग में लाइट क्या होती है, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा और वहाँ फिर हमने रिफ्लेक्शन को प्लेन मिरर से भी पढ़ा कि एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, उस रिफ्लेक्शन से हमारे पास इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। उसमें हमने देखा था कि इमेज सेम साइज की बनती है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही साइज इमेज का था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी बनेगा मिरर से। मतलब अगर 2 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था मिरर से, तो 2 ही मीटर की डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी मिरर से। उसके बाद हमने देखा था कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, उस प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्म हुई वो वर्चुअल इमेज होती है, मतलब रियल इमेज नहीं होती, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। उसके बाद जो इमेज आपकी बनी थी वो लेटरली इन्वर्टेड थी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब उस दिन भी हमने बताया था कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने, और आपने अपना राइट हैंड रेज किया, तो आपको लगेगा कि जैसे आपने लेफ्ट हैंड रेज किया है, जो इमेज बनेगी मिरर में वो लेफ्ट हैंड जैसी बनेगी। ये होता है लेटरली इन्वर्टेड। अब हम इस पर कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, मान लो कि एक प्लेन मिरर है और ये इसकी पॉलिश सरफेस है, ऊपर वाली आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से एक लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से ये लाइट इंसिडेंट होती है, तो हमने इसका नाम दे दिया इंसिडेंट रे, और यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, इसका हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये क्वेश्चन है और इसमें ये कहता है कि नॉर्मल और मिरर के बीच या इस इंसिडेंट रे और मिरर के बीच जो एंगल है आपका, वो एंगल है 60 डिग्री। एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 60 डिग्री। अब वो पूछता है फाइंड द एंगल और फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको ये पता होना चाहिए कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो आप दोनों में से एक निकाल दीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। इस नॉर्मल और मिरर के बीच जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। अगर मैं इस 90 में से 60 को माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास सिर्फ ये एंगल नहीं बचेगा, और यही एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है। तो हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल और मिरर के बीच एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मिरर इज 90 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे 60 डिग्री। तो अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो इस 90 में से ये 60 को आप माइनस कर दीजिए तो हमें ये एंगल मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। सो यहां हम लिखेंगे 90 माइनस 60, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसका मतलब यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया वो आया आपके पास 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सीधी सी बात है
कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ रखा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका नाम मान लो। सेकंड है कि यहां आपके पास एक मिरर हो गया है, ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में ये नीचे वाली सरफेस आपकी पॉलिश सरफेस, ऊपर वाली आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां एक लाइट सोर्स रखा हुआ है ऊपर, और इस लाइट सोर्स से ये एक रे आके इस पे इंसिडेंट होती है। अब ये इंसिडेंट हुई तो इसका नाम हमने दे दिया इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट से ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट किस तरफ होगी वो हमें देखना पड़ेगा। हमें अब इस पॉइंट पे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए नॉर्मल भी क्या इसी तरह से नहीं आएगा। नॉर्मल का मतलब था जो इस मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाए इस पॉइंट पे, तो हमें यही एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में और इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है। और अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो तो उन दोनों के बीच एंगल बनता है 0 डिग्री। मान लो एक आदमी इस तरफ जा रहा है और दूसरा भी इसी तरफ जा रहा है, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बना वो 0 डिग्री बनेगा। ये आदमी भी इस तरफ गया, दूसरा आदमी भी इसी तरफ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं। और पैरेलल जब जो दो चीजें होती हैं तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहां नॉर्मल और इंसिडेंट रे पैरेलल हैं, तो यहां जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आया 0 डिग्री। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये कंपलसरी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री। तो यहां से जो लाइट इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट यहीं से होगी और इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसी तरफ, मतलब ये आपके पास रिफ्लेक्टेड लाइट और ये आपके पास इंसिडेंट लाइट, दोनों एंटी पैरेलल हो गए हैं, इसी डायरेक्शन में होंगे। यहां आप देखिए अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल 0 था, इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एंगल 0 ही डिग्री है। सो ये था आपका सेकेंड मोमेंट। थर्ड है, अगर मान लो कि यहां एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से यहां ये ऐसे रखा हुआ है, यहां एक आदमी खड़ा है, तो ये कहता है कि भाई हमने इस हाफ मिरर को, आधे मिरर को ब्लैक कर दिया है, मतलब पॉलिश कर दिया है, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने इसको छोड़ा ही नहीं, ऐसे कर दिया है। पहले पूरा मिरर था, इस आदमी की इमेज बन रही थी इस तरफ, फिर हमने क्या किया, इस पूरे मिरर में से आधे मिरर को पॉलिश करा दिया है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस केवल आधी बच गई है, रिफ्लेक्शन केवल इस सरफेस से होगा। अब कहता है कि इस आदमी की इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां आपने भले ही मिरर को आधा पॉलिश कर दिया है, आधा ब्लैक कर दिया है, ये ब्लैक पार्ट हो गया है, मतलब यहां से अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये यहां तक ब्लैक पार्ट और इससे ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो यहां इस मिरर को आधा ब्लैक करने से आदमी की इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां ये नहीं सोचना है कि अगर मिरर को आपने आधा कर दिया है तो आदमी की इमेज भी आधी ही बनेगी, ऐसा नहीं है। जितनी आदमी की इमेज पहली बन रही थी
जितना साइज इमेज का पहले था उतना ही साइज इमेज का अब भी रहेगा। सो यहां पे साइज ऑफ इमेज इमेज विल रिमेन सेम आफ्टर चलो यहां तक देख लो कि साइज ऑफ इमेज विल रिमेन सेम बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल रिड्यूस। इंटेंसिटी की जगह आप ये लिख लो ब्राइटनेस। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। जो ब्राइटनेस थी इमेज की वो इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी लेकिन जो साइज था वो साइज भी वही रहेगा। जो पोजीशन थी इमेज की वो पोजीशन भी वही रहेगी। साइज ऑफ इमेज एंड पोजीशन, यहां पोजीशन भी आप लिख सकते हो एंड पोजीशन, मतलब ब्लैक करने से पहले जहां पे बन रही थी वहीं अब भी बनेगी और जिस साइज की बन रही थी उसी साइज की बनेगी। लेकिन अब सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि जो ब्राइटनेस थी इमेज की वो कम हो जाएगी। अब उसका कम होने का कारण क्या है? आप सोचिए, जब पूरा मिरर था तो इस पूरे मिरर से लाइट रे जा रही थी और लाइट रे जा रही थी तो वो इमेज फॉर्म कर रही थी। मान लो पूरे मिरर से 100 लाइट रे जा रही थी, हंड्रेड लाइट रेज फ्रॉम फुल मिरर। लेकिन जब आपने आधा कर दिया है इस मिरर को तो जो नंबर ऑफ रेज हंड्रेड थी वो भी आधी हो गई होंगी। तो अब यहां पे जो लाइट रेज जाएंगी ओनली 50 लाइट रेज। Will reflect from this. अब यहां से केवल 50 light rays जाएंगे। तो यहां आप देखिए जितनी ज्यादा light होती है उतनी ही ज्यादा brightness होती है, जितनी कम light उतनी ही brightness कम होती है। जैसे example के तौर पर पहले जो bulb आते थे उन bulb में और आजकल जो LEDs आती हैं उनमें आप देखिए brightness किसकी ज्यादा होती है, एलईडीज की ज्यादा होती है। तो यहां पे जो फुल मिरर था उस फुल मिरर में से ज्यादा लाइट रेज जा रही थी तो ब्राइटनेस ज्यादा थी। एलईडी ज्यादा लाइट देती है, ज्यादा लाइट देती है तो वहां ब्राइटनेस भी ज्यादा होती है। बल्ब कम लाइट देता था लेकिन कंज्यूम ज्यादा करता था, लेता ज्यादा लाइट था और हमें कम देता था तो वहां पर ब्राइटनेस कम होती थी। तो यहां पे 100 लाइट रेज जब इसमें से पास होंगी तो इमेज ज्यादा ब्राइटर होगी, लेकिन जब 50 रेज होंगी केवल तो इमेज की ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। तो यही कारण था कि जब हमने इसको आधा ब्लैक कर दिया है तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है लेकिन साइज और पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमेज की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, और इसमें एक चीज और आप नोट कर लो कि किसी आदमी की इमेज को, फुल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए आपको मिनिमम कितना साइज होना चाहिए मिरर का, ये देख लो। तो यहां से आपने देख लिया है टू ऑब्टेन दी फुल इमेज ऑफ ए पर्सन साइज ऑफ मिरर शुड बी हाफ ऑफ पर्सन साइज। ये था आपका, जैसे इसमें ये कंडीशन है कि मान लो आपके पास एक आदमी यहां है और इस आदमी की जो हाइट है
वो हाइट है 5 फीट, 5 फीट है मान। तो यहां आपने एक मिरर रखा, उस मिरर का कितना साइज होना चाहिए कम से कम कि इस आदमी की इमेज पूरी बने, मतलब 5 फीट की ही बने। तो वहां पे जो इस मिरर का साइज होगा, साइज ऑफ मिरर, वो इस आदमी के साइज से आधा होना चाहिए। आधा होगा तब तक इमेज पूरी बनती रहेगी, आधे से अगर कम कर दिया तो इमेज पूरी नहीं बनेगी। तो यहां बनेगा 5/2, मतलब 2.5 फिट, इतना साइज होना चाहिए मिरर का तो इमेज बनेगी, पूरी इमेज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे टाइप्स ऑफ मिरर की, और वो है आपके स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, इस प्लेन मिरर में आपने देखा था कि जितना साइज था ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्टेंस इमेज की। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बड़ा चाहिए, या फिर हमें किसी कंडीशन में इमेज की डिस्टेंस मिरर से कम ज्यादा चाहिए, तो वो कंडीशंस ऑब्टेन हम प्लेन मिरर में नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन मिरर तो हमें सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे इमेज प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पे अगर हमें साइज कम ज्यादा या डिस्टेंस कम ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम प्लेन मिरर नहीं, दूसरे टाइप्स ऑफ मिरर यूज करेंगे। और वो मिरर के टाइप है, उन मिरर्स का नाम है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं ये देख लीजिए। इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास, होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। क्या है इसका मतलब कि यहां आपने एक होलोस्फीयर ले लिया है। होलोस्फीयर मतलब जैसे जो छोटे बच्चे की गेंद होती है प्लास्टिक की, वैसे ही एक स्फेरिकल, एक स्फीयर है ग्लास का बना हुआ, और अंदर से वो खाली है जैसे बच्चे की गेंद होती है प्लास्टिक वाली। तो यहां हमने एक स्फीयर बना दिया है, और ये स्फीयर का हो गया है सेंटर, इसका हमने नाम दे दिया है सी, और ये कहलाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर केवल अभी के लिए, आगे इसका नाम बदल जाएगा। अब इस ग्लास स्फीयर में से अगर मैं इसको यहां से और यहां से कट कर दूं, और केवल ये पार्ट बचे हमारे पास, ये वाला पार्ट हट जाए, तो यहां पे ये जो एक पार्ट बच गया है, कर्वेचर टाइप हमें मिल गया है, इसी कर्वेचर का नाम है स्फेरिकल मिरर। अब आप देखिए ये कर्व जो थी, ये जो कर्वेचर था, क्या ये एक पूरे स्फीयर का, होलोस्फीयर का पार्ट नहीं है? पूरे होलोस्फीयर का पार्ट था, इसीलिए हमने लिखा इट इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। और जब तक ये पूरा स्फीयर था, जब तक ये कहलाता था सेंटर ऑफ स्फीयर, लेकिन अब केवल ये कर्वेचर बच गया है, इसको हम नाम देंगे कर्वेचर। अब ये केवल एक कर्वेचर बन गया है, कर्व टाइप बच गया है, तो अब ये सी नाम कहलाएगा, ये सी कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हेयर सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हेयर सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अब ये जो कर्वेचर हमें मिला, ये स्फेरिकल पार्ट हमें मिला, इसमें आप देखिए दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाई कर रही है, और दूसरी सरफेस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर की तरफ है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड सरफेस है। तो यहां हमारे पास दो सरफेसेस हैं,
और दोनों सरफेसेस जो रिफ्लेक्शन हो सकता है वो तो डिपेंड करेगा कि हम पॉलिश किस तरफ से करते हैं, वो आगे अब आप देखेंगे। तो यहां अगर सरफेसेस दो हैं तो रिफ्लेक्शन भी दो ही सरफेसेस से हो सकता है, और रिफ्लेक्शन अगर दो सरफेसेस से हो रहा है तो यहां हमने स्फेरिकल मिरर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का हम नाम देंगे कॉनकेव मिरर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक है आपके पास कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपके पास कॉनवेक्स मिरर। पहले आप ये देख लीजिए कॉनकेव मिरर क्या होगा, ये आपके पास एक स्फेरिकल पार्ट है, कर्वेचर है, और इस तरफ आपका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो तो हम नाम देंगे कॉनकेव मिरर, लेकिन अगर इससे अपोजिट हो कि आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो तो हम उसका नाम देंगे कॉनवेक्स मिरर। सो इसमें हम लिखते हैं इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस lies towards the center of curvature then we call it concave mirror। अब सीधी सी बात है कि अगर reflecting surface center of curvature की तरफ है तो पॉलिश सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगी, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये बाहर वाली ये आपकी पॉलिश सरफेस हो गई है। ये अब आता है सेकंड टाइप ऑफ मिरर, वो है आपका कॉनवेक्स मिरर। सेकेंड टाइप है कॉनवेक्स मिरर। इसमें क्या है कि मान लो आपके पास ये एक कर्वेचर है, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं वैसे भी रख सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा इस तरफ, तो यहां से अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, मतलब ये वाली सरफेस अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और ये अंदर वाली सरफेस आपकी पॉलिश सरफेस हो, ये वाली, तो हम इस मिरर का नाम देंगे कॉनवेक्स मिरर। मतलब इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम उसका नाम देंगे कॉनवेक्स मिरर। दूसरा नाम भी हम इन दोनों मिरर्स को दे सकते हैं, वो दूसरा नाम कॉनकेव मिरर का तो होगा कन्वर्जिंग मिरर, ये कॉनवर्जिंग मिरर और ये आपका डाइवर्जिंग मिरर। जैसे किसी आदमी के भी दो नाम हो सकते हैं, उसी तरह से इन मिरर्स के भी दो नाम हैं। जो ओरिजिनल नाम है वो तो इनके हैं कॉनकेव और कॉनवेक्स,
लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को देखकर हमने दूसरा नाम भी रख दिया है। जैसे हम किसी बच्चे का नाम रख देते हैं, बचपन में तो उसका नाम कुछ रखा ही जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनकी आदत को देखकर, उसके श्यान शक्ल उसके रंग को देखकर हम कुछ नाम रख देते हैं, वैसे ही हमने यहाँ इनके नाम कॉनकेव और कॉन्वेक्स रखा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज को देखकर हमने इनके नए नाम दे दिया। एक नाम है एक का कॉन्वर्जिंग और दूसरे का है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि इस मिरर पे, इस कॉनकेव मिरर पे जो भी लाइट रेज आके इंसिडेंट होंगी वो उन सबको कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मिलाएगा, इसीलिए हमने इसको नाम दिया कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है जिसका नाम हमने डाइवर्जिंग दिया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होगी वो उन सबको दूर दूर भगाएगा, नजदीक लाके एक पॉइंट पे नहीं मिलाएगा, दूर दूर कर देगा, इसीलिए हमने इसका नाम दिया डाइवर्जिंग मिरर। कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद आती है कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहां इन मिरर्स को पढ़ते हुए यूज करनी है। अब उन टर्म्स की हम बात करते हैं वन बाई वन। सो एक जो टर्म है हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सो पहली जो आपकी टर्म है, पहला जो हमारी टर्म है उसका नाम है पोल। अब पोल क्या होता है? पोल इज द सेंट्रो स्फेरिकल मिरर। जैसे ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो वो कॉनकेव हो वो अलग बात है, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो लगभग लगभग यहां होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आप इस मिरर पे चूज करिए जो पूरे इस सरफेस के सेंटर पे हो, और ये वो पॉइंट है यहां पे, ये इस मिरर के सेंटर पे है, और जो पॉइंट इस मिरर के सेंटर पे मिलेगा, स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे मिलेगा, उस पॉइंट का नाम होगा पोल। पोल या दूसरा नाम हम इसका वर्टेक्स भी दे सकते हैं, और वर्टेक्स, लेकिन हर जगह आपको पोल ही लिखा मिलेगा, और इस पॉइंट को हम डिनोट कराते हैं पी से। सो पोल इज द सेंट्रो स्फेरिकल मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाई पी, इट इज डिनोटेड बाई पी। दूसरा हम इसकी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, पोल इज ए पॉइंट विच डिवाइड द स्फेरिकल मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और पोल इज ए पॉइंट, पोल इज ए पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर, ऑन स्फेरिकल मिरर which divide mirror into two equal parts, जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उस पॉइंट का नाम होगा पोल। अब आता है नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? देखिए जब तक पूरा स्फीयर था मान लो ये है, पहले हम इसका नाम लिख दें, वो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे ये एक पूरा स्फीयर था, इस स्फीयर का ये था सेंटर, इस सेंटर को आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट से अगर मिलाएं
तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है, इसका हम नाम देते हैं रेडियस। ये किसकी रेडियस थी? ये कहलाती रेडियस ऑफ स्फीयर। लेकिन अब हमारे पास केवल ये एक कर्वेचर बन गया है, ये मिला है, और इस कर्वेचर के सेंटर पे ये पॉइंट है P, और यहां है C, इसका हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस P को आप मिला दें, तो यहां जो ये डिस्टेंस बनी है, इसी डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो हम इसका नाम देते रेडियस ऑफ स्फीयर, लेकिन अब सिर्फ कर्वेचर बना है तो हम इसका नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब यहां पे जो पी और सी ये डिस्टेंस आई है, इसी डिस्टेंस का हमने नाम दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमने इसको डिनोट करा दिया है कैपिटल आर से। पी सी इक्वल्स टू आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अगर मैं इस लाइन को, अब तक तो ये P और C के बीच में थी, लेकिन अगर मैं इस लाइन को इस तरफ भी आगे की तरफ बढ़ा दूं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दूं, तो अब ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंडेड हो गई है इस स्फेरिकल पार्ट से, और इसी एक्सटेंडेड लाइन का हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही एक्सटेंडेड लाइन आपके पास बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से यहां तक तो था रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पूरी लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज ए लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड ऑफ, ऑन बोथ साइड ऑफ मिरर is called principal axis। ये थे हमारे कुछ important terms, आगे अभी से बचती हैं, उनकी हम next lecture में बात करेंगे। अब इसमें जो important points लगे वो साथ साथ अपनी fair notebook में note करिए, और NCERT book अगर आपके पास और कोई book नहीं है तो NCERT book को आप पढ़ते रहिए साथ साथ। So thank you.